बिहार विधानसभा में हुए विधायकों पर लाठीचार्ज एवं पुलिस कानून के खिलाफ महुआ में राजद, SUCI और CPI कार्यकर्ताओं ने बिहार बंद की सफलता को लेकर पूर्व संध्या पर मशाल जुलूस निकाली। यह मशाल जुलूस महुआ के मंगरू चौक से शुरू की गई, जो जवाहर चौक, पंचमुखी चौक, पुरानी बाजार, थाना चौक, मुजफ्फरपुर रोड, गोला रोड, समस्तीपुर रोड होता हुआ गांधी स्मारक चौक पहुंचा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि जिस प्रकार से विपक्ष को नीतीश सरकार बदनाम कर रही है, बिहार विधानसभा में घुसकर विधायकों पर लाठीचार्ज कर रही है, वह सरासर अन्याय है। इसको लेकर 26 मार्च को बिहार बंद है, जिसकी सफलता को लेकर आज हम लोगों ने मशाल जुलूस निकाला है तथा दुकानदारों से अपनी अपनी दुकान बंद करने की अपील की है। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिहार में जो पुलिस कानून बनाए जा रहे हैं वह आम लोगों के हित में नहीं है, इससे अफसरशाही को बढ़ावा मिलेगा और आम नागरिक त्रस्त होंगे। इस मशाल जुलूस में राजद नेता रामशंकर यादव, कृष्ण कुमार भार्गव, नटवर राय, रणविजय यादव, प्रमोद राय, संजय यादव, राजद के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद नसीम रब्बानी, SUCI के ललित कुमार घोष, विश्वनाथ साहू, CPI के विश्वनाथ विप्लवी सफदर इरशाद सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। महुआ के पातेपुर रोड स्थित शालिनी फाउंडेशन परिसर में नेहरू युवा केंद्र वैशाली एवं जागृति वेलफेयर सोसाइटी खीराचक के तत्वाधान में हरित ग्राम स्वच्छ ग्राम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राम स्वरूप राम एवं संचालन मनीष कुमार यादव ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिव चंद्र राम, जिला पार्षद संगीता देवी एवं कृष्णा हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर उदय शंकर कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेहरू युवा केंद्र वैशाली के जिला युवा समन्वयक श्वेता सिंह ने कहा कि आज जरूरत है हम लोगों को अपने गांव को हरा भरा करने की, क्योंकि जब तक हमारा गांव हरा भरा नहीं होगा तब तक हमारा गांव प्रदूषण मुक्त नहीं होगा। उपस्थित युवाओं को प्लास्टिक से बना थैला को बहिष्कार करने के लिए संकल्प कराया गया। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र वैशाली के लेखापाल केदार सिंह, जिला परियोजना पदाधिकारी मुकेश कुमार, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सविता कुमारी, गजेंद्र कुमार, आनंद मोहन कुमार, सोनी कुमारी, राजकुमार राय, प्रयाग राय, अविनाश कुमार गुप्ता, राकेश कुमार, अशोक कुमार, अजनबी, रितु कुमारी, नीतू कुमारी, मनीषा कुमारी, प्रिया कुमारी आदि उपस्थित थे। कभी आप ईमानदारी से देखिए, एक गिलास लीजिए और उस गिलास को कहीं आप फेंक दीजिए, इसके बाद उसको देखिए आप, या आप एक गिलास लीजिए, पानी पी करके मिट्टी में उसको गार दीजिए और एक महीना के बाद आप फिर उस मिट्टी के खोद करके गिलास को खोजिए, सब हो रहा है, क्या गिलास मिलेगा या गिलास समाप्त हो जाएगा? बोल नहीं रहे आप, तो प्रशिक्षण लेने आप आए, आप तो स्टूडेंट है। महुआ के मध्य विद्यालय महुआ बालक संकुल पर शिक्षकों का एक दिवसीय कैचअप प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में शिक्षक श्वेता कुमारी और प्रेमनाथ कुमार ने शिक्षकों को कैचअप कोर्स के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षकों ने बताया कि कोरोना काल में विद्यालय बंद था, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई थी। उसी पढ़ाई को पूर्ण करने के लिए एक विशेष अभियान चलाकर 3 महीने का कैचअप कोर्स कराया जाएगा, ताकि बच्चों का पढ़ाई पूरी हो सके। इस कैचअप कोर्स में बच्चों को विषय वस्तु की मुख्य मुख्य बातें बताई जाएगी, ताकि आगे के क्लास में जाने में उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इस प्रशिक्षण में सोनी कुमारी, रिंकी कुमारी, सुमित्रा कुमारी, रीना कुमारी, पंकज कुमार, सुजीत कुमार,
राधा कुमारी, रुमाना अब्बास, समन्वयक रंजीत कुमार आदि उपस्थित थे। महुआ सिंगराय गांव निवासी संजय सिंह को लोजपा के बिहार प्रदेश संगठन मंत्री बनाए जाने पर महुआ में लोजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि संजय सिंह को संगठन मंत्री बनाए जाने से लोजपा मजबूत होगा। उनके संगठन मंत्री बनने पर सांसद प्रतिनिधि छोटेलाल गुप्ता, लोजपा के जिला अध्यक्ष मनोज सिंह, उपेंद्र राय, प्रमोद पासवान, प्रकाश कुमार चंदन, छात्र लोजपा के जिला अध्यक्ष श्रीकांत पासवान, सुमित सहगल, संजीव कुमार आदि ने उन्हें बधाई दी है। महुआ अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता अनुमंडलाधिकारी संदीप कुमार ने किया। बैठक में जिला पार्षद अशोक कुमार अकेला ने एसएफसी से कम अनाज दिए जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि एसएफसी से डीलरों को कम अनाज दिया जा रहा है, जिसकी जांच की जाए। वहीं उन्होंने पॉस मशीन के द्वारा उपभोक्ताओं को रसीद भी देने की मांग की। उन्होंने बताया कि डीलर पॉस मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को रसीद नहीं देते हैं, जिसके कारण इसमें कालाबाजारी हो रही है। उन्होंने अनुमंडलाधिकारी से डीलर्स को पॉस मशीन से कागज देने का निर्देश देने की मांग की है। इस बैठक में जिला पार्षद संगीता देवी, मनोज पटेल, तारक चौधरी, महुआ नगर पंचायत अध्यक्ष कौशल्या देवी, भाजपा के गौरी शंकर सिंह आदि शामिल थे।